नमस्कार सभी विद्वानों का, सभी बुद्धिजीवियों का और सभी मेरे उन सब्सक्राइबर का जो हर वीडियो पर करते हैं सवाल, उनको तहे दिल से है सलाम। क्योंकि आप मेरी बुद्धि नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से करते हैं मेरी सूचनाओं का इस्तेमाल, और इसके लिए आपको पुनः है सलाम। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आया है अपडेट पीएचडी और एमफिल के एडमिशन को लेकर, जिसकी सूचना मुझे देनी है आपको। सूचना को देखने सुनने और समझने के उपरांत मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। सूचना का पहला भाग है कि आपके पास 4 दिन अर्थात 96 घंटे का समय है यदि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए। और फिर से मैं रिपीट कर दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की, और कुछ विषयों में सीटें खाली रहने के कारण इस यूनिवर्सिटी ने दोबारा से सीटें निकाली हैं 21 और 22 के सेशन की। और यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम। सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है एप्लीकेशन फॉर्म। एंट्रेंस इंटरव्यू और फाइनल लिस्ट, एंट्रेंस ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, और ऑनलाइन होगा तो कौन सा विशेष सॉफ्टवेयर है, उसका यूज आप कैसे करेंगे, कब आएगा फाइनल रिजल्ट, और क्या है जरूरी डेट्स और सीट, ये सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको दे दी जाएगी। सबसे पहली बात, लास्ट डेट को नोट कर लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की, 16 दिसंबर 2021। कमेंट करके एक बात बताइएगा मुझे ज़रूर कि 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। अच्छा लगेगा आपके जवाब को सुनकर। तो 16 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी की। अगली इंपॉर्टेंट डेट्स है 17 से लेकर 20 दिसंबर। 17 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपको यदि देखना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती, कोई मिस्टेक या गलती से कुछ भूल हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी से आप संपर्क करके उसको चेंज करवा सकते हैं या एडिट करवा सकते हैं। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपका फॉर्म भरने के बाद, आपके फॉर्म में जो भी करेक्शन है वह सब होने के बाद, करवाने के बाद 21 और 22 दिसंबर को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुछ लिस्ट जारी की जाएंगी, जिस लिस्ट में आपको बताया जाएगा कि आपका फॉर्म, आपकी एकेडमिक योग्यताएं और जो भी यूनिवर्सिटी ने आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा था, यदि आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपका नाम दे दिया जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 21 और 22 दिसंबर को। इसकी सूचना भी वेबसाइट पर ही आएगी, आपको अलग से कोई ईमेल नहीं जाएगा ना ही कोई मैसेज जाएगा। अगली डेट है 24 दिसंबर की, और मैं फिर से कह दूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक और है जिसके कुछ सब्जेक्ट में सीटें खाली हैं, उसके भी फॉर्म आए हैं, उसका भी वीडियो आपको कुछ ही घंटों के बाद आज ही की डेट में प्राप्त हो जाएगा कि ताकि आप उसको भी फिलअप कर सके, ठीक है। हम चलते हैं अगली डेट पर जो कि है 24 दिसंबर 2021, ठीक है। यदि आपका नाम 22 दिसंबर की सूची में आ जाता है तो 24 दिसंबर को आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित होने वाले एक मॉक टेस्ट में शामिल होना होगा। और ये मॉक टेस्ट मैंडेटरी है, और मैंडेटरी इसीलिए भी है क्योंकि जैसे कि मॉक टेस्ट की बात होती है, क्योंकि लास्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम लिया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन माध्यम से लिया था, और एक अपना ही सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सिटी का जिस पर आपको अपना मॉक टेस्ट और एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देना है। सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसको कैसे यूज करेंगे, उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि कोडी तंत्र, कोड तंत्रा या कोडी तंत्रा गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको अपना एग्जाम देना है, और याद रखिएगा बहुत सख्त है यह सॉफ्टवेयर। जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है सिक्किम यूनिवर्सिटी की, वह जानते हैं कि कितना टफ है उस सॉफ्टवेयर को यूज करना, और अगर यूज कर लेंगे तो कितना स्ट्रिक्ट है कि आप कुछ सेकंड के लिए भी यदि आवाज़ करते हैं या अपने मूवमेंट को बदलते हैं तो आप डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, और 1 पर्सन 1 स्टूडेंट, कोई ना कोई टीचर आपको मॉनिटर करता रहेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। इसीलिए मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, चाहे आप एमफिल के अप्लाई करें या आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट जो मॉक टेस्ट के बाद होगी, जो बच्चे एमफिल के लिए अप्लाई करेंगे उनकी एंट्रेंस की डेट है 27 दिसंबर 2021। पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है 28 दिसंबर 2021, ठीक है। एक बात जो मैं अलग से इसमें बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी तो नहीं कह रही है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा सुझाव है केवल। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि एमफिल या पीएचडी दोनों का फॉर्म भर देते हैं, एमफिल ना सही पीएचडी में हो जाए, पीएचडी ना सही एमफिल में हो जाए। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप दोनों विषयों का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन
क्योंकि आपकी भी समस्या हो सकती है एंट्रेंस देने की, या हो सकती है इंटरव्यू देने की, क्योंकि हो सकता है एंट्रेंस तो अलग अलग डेट पे, लेकिन यदि आपने दोनों परीक्षाएं पास कर ली हैं, एमफिल की भी पीएचडी की भी, और यदि आपका इंटरव्यू दोनों ही विषयों का एक दिन एक समय हो गया, तब तब आपको हो सकता है एमफिल का इंटरव्यू छोड़ना पड़े या पीएचडी का छोड़ना पड़े। तो ये सोच समझ के फैसला लीजिएगा कि आपको एमफिल पीएचडी दोनों में अप्लाई करना है या किसी एक विषय में अप्लाई करना है। ठीक है, मेरा जो सुझाव था मैंने दे दिया, आपका डिसीजन आपके हाथ में है। 27 दिसंबर को एमफिल और 28 दिसंबर को पीएचडी की प्रवेश परीक्षा है सिक्किम यूनिवर्सिटी की। यदि मैं गलत हूं तो कमेंट करके मुझे सही कर दीजिएगा। फिर है एंट्रेंस की डेट, 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और 30 और 31 दिसंबर को आपका इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे और 4 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में फाइनली आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी कि आज वीडियो देख रहे हैं 13 दिसंबर को, और ये भी हो सकता है कि अगली 13 जनवरी को आप पीएचडी शोधार्थी हो जाएं या एमफिल शोधार्थी हो जाए, ये आपको करना है। सूचना कैसी लगी हमें बता दीजिएगा। एक बात रह गई है सीट की, अब आप सीट को भी सुन लीजिए। एमफिल में कितनी सीटें हैं और पीएचडी में कितनी सीटें हैं, टोटल है 25 सब्जेक्ट 25। ठीक है, 25 सब्जेक्ट में सीटें आई हैं, मैं सभी सब्जेक्ट का नाम और सीटें बता दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, 2 से 3 मिनट और लेंगे। एंथ्रोपोलॉजी एमफिल में 1 सीट है और पीएचडी में कोई सीट नहीं है। जिसका मैं नाम लूंगा सीट लूंगा उसको ध्यान से नोट, हर सब्जेक्ट को दोबारा नहीं बोल पाऊंगा। एंथ्रोपोलॉजी एमफिल 1 सीट, बुटिया एक लैंग्वेज होती है पीएचडी 1 सीट, बॉटनी 1 सीट पीएचडी में, केमिस्ट्री 2 सीट पीएचडी में और 2 सीट एमफिल में, चाइनीज 1 सीट पीएचडी में, कॉमर्स 1 से 3 सीट टोटल, कॉमर्स में 3 सीट पीएचडी की, कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 सीट पीएचडी, इकोनॉमिक्स 2 सीट पीएचडी और एजुकेशन 1 सीट पीएचडी, इंग्लिश में 1 सीट पीएचडी, ज्योग्राफी 1 सीट ओबीसी और जियोलॉजी 3 सीट पीजी। याद रखेगा जियोलॉजी है, जियोलॉजी नहीं है, स्पेलिंग बोल देता हूँ सब्जेक्ट की, GEOLOGY, 3 सीट पीएचडी जियोलॉजी, क्योंकि एक होता है जेड से होता है उसका वाला नहीं है, जी वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी वाला जी है। अगला है हिंदी 1 सीट एमफिल, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर 1 सीट ओबीसी, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 1 सीट पीएचडी लॉ यानी कि कानून, 1 सीट एमफिल और 1 सीट पीएचडी। ठीक है, एक है लिप्चा, जैसे बुटिया थी ऐसी एक लिप्चा लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, उस लिप्चा लैंग्वेज में 1 सीट पीएचडी की आई है, और एक लिम्बो होती है, लिम्बो भाषा भी होती है सिक्किम के तरफ ही बोली जाती है, उसके अंदर 2 सीट आई है पीएचडी की, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन 1 सीट पीएचडी, मैथमेटिक्स 3 सीट पीएचडी और 1 सीट एससी, माइक्रोबायोलॉजी 1 सीट और नेपाल 1 सीट पीएचडी की है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, नेपाली भाषा आ गई है, फिर से भाषा आ गई है, नेपाली भाषा में 1 सीट पीएचडी की है, फिजिक्स यानी कि क्या बोलते हैं भौतिक भौतिकी, ठीक है ना, है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में एमफिल 1 सीट पीएचडी में 2 सीट, टूरिज्म जिसे हम बोलते हैं पर्यटन पर्यटन 1 सीट पीएचडी, और लास्ट सब्जेक्ट है ये है जियोलॉजी 1 सीट पीएचडी। याद रखिएगा जियोलॉजी में 3 सीट पीएचडी के हैं और जियोलॉजी में 1 सीट पीएचडी की है। नोटिफिकेशन वेबसाइट का लिंक, नामांकन का लिंक और ये जो सूचना आई है, ये सारे लिंक मिल जाएंगे आपको वेबसाइट पर, और ये सूचना मुझे मिली है एक वेबसाइट है उसको भी आप नोट कर लीजिए, और बड़े काम की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर बहुत नए नए अपडेट आते रहते हैं समय समय पर, एजुकेशन को लेकर, फेलोशिप को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर। इस वेबसाइट का नाम है स्किल आउट लॉक SKILLOUTLOOK.com। इस वेबसाइट पर ही मुझे ये अपडेट प्राप्त हुआ है, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा ताकि आप कोई भविष्य में ऐसी जानकारियां मिलते रहें। इस वीडियो में दी गई जानकारी को लेकर आपकी कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यदि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सवाल करिएगा, लाइक मत करिएगा, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रार्थना है, निवेदन है, क्योंकि डिसलाइक मुझे सिखाते हैं और आपके लाइक मुझे कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कर देते हैं। लाइक मत दीजिएगा, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। सूचना को लेकर कोई टिप्पणी हो तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और पीएचडी अपडेट की बात करेंगे आपसे, और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है इंडिया की,
और उसके अंदर भी सीटें खाली बची हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कब लास्ट डेट है, कितनी सीटें हैं, उसकी बात अगले वीडियो में। 10 मिनट हो गए हैं, धन्यवाद, नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।